तो अभी हम पहुंच गए हैं कफरनहूम, द टाउन ऑफ जीसस, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग आराधनालयों में प्रचार किया, वचन को बताया। और मैं पास्टर जी को कहना चाहती हूँ कि वो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें कि कफरनहूम में किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने और काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कफरनहूम द टाउन ऑफ जीसस के गेट के ऊपर खड़े हैं, और मैं परी से कहना चाहता हूँ कि वो गेट दिखाए जो इस विलेज में, इस गांव में एंट्री करवाता है। ये देखिए और बहुत सारे लोग विजिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और ये कफरनहूम द टाउन ऑफ जीसस है। तो अभी हम कफरनहूम के गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कफरनहूम वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए, बहुत सारे चमत्कार किए। जब आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस लकवे के रोगी को चंगा किया, जिसको उसके फ्रेंड्स ने छत फाड़कर नीचे उतार दिया था। उन्होंने परवाह नहीं की थी कि ये किसका घर होगा, किसी का घर टूट जाएगा, किसी की छत टूट जाएगी। अच्छा पास्टर जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आज लोगों के अंदर वो जज्बा है, वो बात है कि वो अपने भाई बहनों के लिए या अपने दोस्तों के लिए वो दर्द रखते हो कि हम अपने पैसे लगाकर उन्हें चर्च लेकर आए? मेरे ख्याल से बहुत सारे इस तरह के बहन भाई होंगे जिनके अंदर ये जज्बात और ये जज्बा होगा कि किसी की हीलिंग के लिए वो अपना पैसा लगा के उन्हें चर्च में लेकर आते हैं। अपने चमकौर साहिब चर्च में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को चंगा होता हुआ देखना चाहते हैं, और वो अपने पैसे लगाकर लोगों को चर्च लेकर आते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है जो हमें कफरनहूम में सीखने को मिलती है, कि जब उसके दोस्तों ने, लकवे के रोगी के दोस्तों ने उसको छत फाड़ कर नीचे उतारा, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और दौड़, और वो चलने लग गया। वो रोगी जो लकवे का मारा हुआ था, जो पैरालाइज था, वो चंगा हो गया। उसके बाद कफरनहूम ने प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस की सांस के बुखार को डांटा और वो चंगी हो गई। और कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार की रिक्वेस्ट को मंजूर किया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि स्वामी, मेरा नौकर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वर्ड बोल कि वो चंगा हो जाए। यीशु उसके साथ जाने की इच्छा जताते हैं, लेकिन वो बोलता है कि प्रभु, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास है आप केवल बोलेंगे तो वो नौकर चंगा हो जाएगा। और आप बिलीव करें चर्च, प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय वर्ड कहा और उसका नौकर चंगा हो गया। और यीशु ने उसको एक और बात कही कि पूरे इसराइल में मैंने ऐसा विश्वास किसी का नहीं देखा जो ये कहे कि प्रभु तू यही से बोल दे, मेरे लिए हो जाएगा। आज चर्च में जब आप आते हैं तो परमेश्वर के दास का मुंह परमेश्वर का मुंह है। जब वो आपके लिए बोलते हैं तो आपने ये विश्वास करना है कि जो यहाँ से बोल दिया गया है वो हमारी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम। आमेन। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कफरनहूम ही वो जगह है जहाँ पर उस औरत को, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जो अपनी बीमारी में अपना पैसा लगा चुकी थी, जो जगह जगह पर वैद्य हकीमों के पास जाकर थक चुकी थी, कफरनहूम ही वो जगह है जहां पर उस औरत ने पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। मैं चाहती हूँ पास्टर जी एक गीत इस जगह पर गा दें। मैं जरूर एक गीत भी गाऊंगा, और मैं जब चर्च में था, मैं बोल के आया था वहां पर लोगों को कि हम उन गलियों में घूमेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया। हम उन गलियों में घूमेंगे जहां पर उस 12 साल की रतवहन की रोगन ने, जिसको ब्लीडिंग होती थी, उसने यीशु के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। और देखिए आज हम उन गलियों में घूम रहे हैं, हम उन स्थानों पर घूम रहे हैं जहाँ पर मेरे जिंदा यीशु ने अपने बड़े बड़े कामों को पूरा किया, और आज भी वो अपने कामों को, आज भी अपने मिरेकल्स को वो पूरा करते हैं, आज भी लोगों को चंगा करते हैं, हीलिंग देते हैं। हालेलुया। थक गई मैं हार गई हाँ अपने रोग तो हार गई हुण कदे भी ना किसे वल जावांगी, यसु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी, हालेलुया। तो अब हम आपको देखिए, ये वो टाउन है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चले फिरे और प्रभु यीशु मसीह जी ने रोगियों को चंगा किया।
और जिन्होंने भी यीशु को छुआ वो चंगे हो गए, जिन्होंने भी उसकी सुनी उनकी जिंदगियां बदल गई, जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो गए। ये कफरनहूम है, ये पूरा विलेज होता था, अब इसके ऊपर एक सुंदर चर्च बना दिया गया है, लेकिन ये पूरा विलेज है। मैं परी को कहूँगा कि परी पूरा विलेज आप सबको दिखाएं और आप इसी तरह से इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि आपको पता है कलीसिया के पहले यहाँ पर सिनेगॉग होते थे, आराधनालय होते थे जहाँ पर वचन का प्रचार किया जाता था, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये देखिए। और ये वही जगह है जहाँ पर आराधनालय था, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर प्रीच करते थे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया की ये जगहें जीवित जगहें हैं सच में। जब हम इन जगहों पर आते हैं ना, तो बाइबल आंखों के सामने खुलती हुई नजर आती है। वो चीजें हम बचपन से पढ़ रहे हैं, वो चीजें हमने सुनी हैं, और जब हम उन जगहों को देख रहे हैं तो ये जगहें जीवित हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये एक चीज, ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये पूरा विलेज था कफरनहूम, जो टाउन था और जिसे टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। आप जब आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घरों का स्ट्रक्चर अभी भी है, हालांकि उनकी छतें और उनके कोई सामान तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं और उन्होंने अलग अलग घरों पर अलग अलग नंबर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने नंबर्स लगाए हुए हैं। जैसे वहाँ पर नंबर्स आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये देखिए 124 इस तरह के नंबर बनाए हुए हैं। सो ये पूरा एक टाउन था, बहुत खुशहाल टाउन था, बड़ा अच्छा विलेज था। और ये देखिए इस तरफ भी ये पूरा फैला हुआ था, बहुत बहुत बड़ी जगह है ये। हम अगर आपको पूरा कफरनहूम घुमाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी समय हो जाएगा, लेकिन हम आपको कुछ कुछ चीजें जस्ट मेमोरी के लिए बता रहे हैं कि कफरनहूम एक बहुत बड़ा विलेज था। और कफरनहूम में आराधनालय भी था जहाँ पर वर्शिप की जाती थी, जैसे कि एक विलेज में कोई धार्मिक स्थल होता है, जैसे हम एक विलेज में कह लें कि चर्च है और चर्च में लोग आराधना करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जो सिनेगॉग था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रीच किया करते थे। और ये पास्टर जी जा रहे हैं यहाँ पे सब जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। यस, बहुत बड़ा है कफरनहूम विलेज। और ये देखिए आप, इसकी ये बैक साइड है सिनेगॉग के साथ, क्योंकि इस वक्त हम आराधनालय में खड़े हैं और आराधनालय के चारों तरफ ये घर बने हुए हैं। काफी दूर तक है ये। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरह से इसराइल से और भी बहुत सारी मेमोरेबल चीजें, ब्लेस्ड मोमेंट्स जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं द हाउस ऑफ पीटर, पतरस का घर। और जब आप इस साइड पे आते हैं, अभी तो यहाँ पर उन्होंने पतरस के घर के ऊपर एक चर्च बिल्ड कर दिया, एक बिल्डिंग को बना दिया गया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये बिल्डिंग। 2019 में ये बनना स्टार्ट हुई थी और इसके ऊपर इसलिए बनाया है ताकि ये सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सेफ रहें, उनको कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए पतरस के घर के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई हुई है। तो पतरस का घर है ये। जी हाँ, ये पतरस का घर है। देखिए पतरस का घर उस समय के घर इस तरह के हुआ करते थे। यहाँ पर जी पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रमुख चेला प्रभु यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस रहा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यही वो जगह है, आप देख लीजिए। और फाइनली हम जा रहे हैं बोट पे, कश्ती में। जी हाँ, उन लहरों के साथ जिन लहरों को मेरे यीशु मसीह ने शांत किया था। और हम गलील की झील में जा रहे हैं और वहाँ पर काफी सारी बोट्स लगी हुई हैं जो आपको विजिट्स करवाती हैं। और हम थैंक्स करना चाहते हैं भाई फ्रांसिस का जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हमने इनको कहा कि हम वहाँ चलना चाहते हैं
जहाँ पर हमारा यीशु इस गलील की झील को क्रॉस करके दूसरे नगर गिरसेनिया में गया और वहाँ पर उसने एक मनुष्य को दुष्टात्मों से आजाद किया जो अपने आप को मारता था और उसको संगलों से बांधा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु को देखते ही वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर उसको छोड़कर चली गई और वो आजाद हो गया। आमेन। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहती हूँ मैं। पास्टर जी जो हैं वो गलील की झील के बीच में कश्ती पे बैठने जा रहे हैं और खुदावंद ने कितना खूबसूरत ये अवसर दिया है। ये देखिए दूर दूर तक प्रेज द लॉर्ड। और ये देखिए ये हमारे चकवार साहिब चर्च के मेंबर हैं, हमारी बेटी और हमारा बेटा प्रसन्न है और हम इन दोनों को ब्लेस करते हैं कि ये भी हमारे साथ इजराइल आए हुए हैं और ये परमेश्वर की योजना के तहत भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी उठते हुए उबालों में तू ही है मेरी चट्टान। हमारी बोट का नाम है, हमारी बोट का नाम है नोवा। लहरों में तेरे कदमों के निशान। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये देखिए बहुत खूबसूरत बोट हम बैठने के लिए जा रहे हैं। कर रहा हूं कि जब इस झील में हमारा जिंदा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह पतरस की बोट में बैठा होगा और जब वो उस बोट में बैठकर इस झील के पार गया होगा गिरसेनिया के उस नगर में जहां पर वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति रहता था, तो वो कैसा माहौल होगा। और बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हम उन रास्तों पर चल रहे हैं, हम उस पानी में हैं जिस पानी पर मेरा यीशु चला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी आप बहुत सारे क्रूज में बैठे हैं, बहुत सारी बोट्स में बैठे हैं, पर इसमें बैठने का जो आनंद है वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल इनकाउंटर मैं कह सकता हूँ। दुनिया के बहुत सारे समुद्रों में, बहुत सारे शिप्स के ऊपर, बहुत सारे क्रूज के ऊपर मैंने सफर किया है, लेकिन जो इस बोट पे बैठ कर मैं महसूस कर रहा हूँ वो बयान से बाहर है। जी,
हाँ जी इसी पानी में चले थे। इसी पानी में प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को डांटा था। इसी पानी में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि अपना जाल दूसरी साइड डाल तो तू मछलियों को पाएगा। और इसी पानी में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की बोट में खड़े होकर प्रचार सुनाया। एक गलील की चीज सारी वही है। Thank you.
दुष्ट आत्माएं थी, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने इस एरिया में आके निकाला।